कोरोना के खिलाफ देश टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। अब तक 15 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अठारह वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए पंजीकरण तेजी से किया जा रहा है। लोग कोविन ऐप पर इसके लिए लगातार पंजीकरण करवा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों के इलाज में मदद पहुंचाने के लिए वायुसेना, नौसेना और रेलवे विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने में लगी है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। गोवा में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में भी कोरोना पर काबू पाने के लिए 84 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1200 बिस्तरों पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती 2 मई को की जाएगी। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व अटॉर्नी जनरल पद्म विभूषण सोनी सोराब जी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उनके निधन से विधि और न्याय के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आज से 21 मई तक गर्मी छुट्टी का अवकाश देने की घोषणा की है। प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी बिहार सहित दक्षिण पूर्वी बिहार के कई जिलों में आंधी और बारिश के आसार हैं। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने कोरोना संक्रमितों के इलाज में लगे लोगों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन देने का किया फैसला। देश भर में 15,853 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान। पटना में मिले 2,844 संक्रमित मरीज। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निधन पर विभिन्न गणमान्य लोगों ने किया शोक व्यक्त। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदेश के विकास में उनके योगदान को किया जा रहा है याद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन दर्शकों, कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।